सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी यूसुफ पठान को एक धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बस अब कुछ ही दिनों के बाद भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच में यह हर फॉर्मेट में सीरीज का दौरा शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज की टीम के साथ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज का हिस्सा बनना है। सबसे पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, इसके बाद 3 मैचों की ही वनडे सीरीज और उसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी खेल देखा जाएगा दोनों टीमों का। बात कर ली जाए भारतीय टीम की, सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम में जरूरत ज्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं। टीम के मुख्य खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिसमें नाम शुमार है हार्दिक पांड्या से लेकर जसप्रीत बुमराह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे जांबाज खिलाड़ियों का भी। खैर, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि दर्शकों के मन में इन बदलावों की आशंका भी थी। इसका सीधा सबसे बड़ा कारण यह है कि इन खिलाड़ियों को आराम देना। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी यूसुफ पठान के बारे में। हम सभी जानते हैं कि यूसुफ पठान हमेशा से ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब जब भारतीय क्रिकेट टीम को विकेट की जरूरत होती थी तब तब गेंदबाजी से भी यूसुफ पठान अपनी टीम को विकेट दिलवाते थे। हालांकि अगर यूसुफ पठान के करियर के अंत की बात करी जाए तो आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 2012-18 मार्च को अपना आखिरी मुकाबला पाकिस्तान की टीम के खिलाफ ढाका में खेला था। वहां भी यूसुफ पठान का प्रदर्शन काफी ज्यादा जोरदार था, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें टीम में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। शायद यही वजह है कि यूसुफ पठान आज आप सभी को केवल घरेलू क्रिकेट व फिर आईपीएल में खेलते हुए दिखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों, यूसुफ पठान भी कुछ ऐसा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई के चयनकर्ताओं का मन बदल सकता है और वह उन्हें टीम में शामिल करना जरूरी समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में यूसुफ पठान ने धाकड़ प्रदर्शन करके दिखाया। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूसुफ पठान ने अपनी 7 में से 6 पारियों में जोरदार बल्लेबाजी करते हुए 175 रन अपने खाते में जोड़ लिए हैं। इसी के साथ साथ बड़ौदा की टीम की तरफ से वह 3 बार नॉट आउट ही अपनी टीम को जिताकर पवेलियन की तरफ लौटे। दोस्तों, अगर ऑलराउंडर कोई अपनी टीम को जिताकर वापस लौटे तो उसकी अहमियत तो तभी पता चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, शानदार गेंदबाजी करवाते हुए यूसुफ पठान ने 2 मैचों में गेंदबाजी भी कराई, जिसमें उन्हें 3 बड़े विकेट मिले और उनकी टीम को जीत भी हासिल हुई। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि 7 में से 3 मुकाबलों में तो अगर बड़ौदा की टीम जीत पाई है तो केवल यूसुफ पठान की वजह से। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, घरेलू क्रिकेट के अलावा यूसुफ पठान ने आईपीएल में भी धमाल मचा रखा है। इस साल यूसुफ पठान काफी ज्यादा धाकड़ प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। शायद यही वजह है कि हैदराबाद की टीम से आज भी यूसुफ पठान जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, यूसुफ पठान के इतने शानदार प्रदर्शन के बाद क्या उन्हें टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।